नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एस्पायरेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो देखो, ये टॉपिक जो है वो पहले से अपनी जो बुक है उसका अपने रिविजन जो है वो स्टार्ट कर रखा था, और इसमें रिविजन के दौरान अपन जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा था अपने, वो कौन सा चल रहा था? सक्सेशन। सक्सेशन जो है वो अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखा था, और सक्सेशन में सक्सेशन के जो टाइप्स हैं वो अपन पढ़ चुके हैं, टाइप्स पढ़ चुके हैं। टाइप्स में से जो पहला सक्सेशन है जिसे अपन ने हाइड्रोशियर कहा था, हाइड्रोशियर जो कहा था वो अपन पढ़ चुके हैं, और हाइड्रोशियर के एग्जाम्पल जो थे वो भी पूरे अपन ने देख लिए थे। उसके बाद में सेकेंड जो सक्सेशन आता है यहां पे, वो आता है अपना लिथोशियर, लिथोशियर। इसका मतलब लिथोशियर जहां भी टॉपिक स्टार्ट होता है वहां पे सक्सेशन अपन पढ़ क्या रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा एरिया हो जहां से अभी तक कोई भी जीवित लाइफ है वो स्टार्ट नहीं हुई है, और पहले से एक नई स्पीशीज आती है और एक नई जगह पे आके वहाँ स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे वहाँ एक स्पीशीज, एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी बनती है। पहली जो कम्युनिटी है उसे पियोनियर स्पीशीज कहते हैं, जिस एरिया पे आती है उसे बार्ड एरिया कहते हैं। तो पहला जो हाइड्रोशियर था वो पानी से स्टार्ट हुआ था। सेकेंड जो हाइड्रोशियर है या सेकेंड जो सक्सेशन का टाइप है वो कौन सा है? लिथोशियर है। लिथोशियर का मतलब है कोई भी जो पहाड़ी है, नेक्ड एरिया है, है ना, कोई भी रॉक्स हो सकता है, पहाड़ी हो सकती है, जहाँ पे अभी तक कोई भी स्पीशीज वहाँ सर्वाइव नहीं करी है, वहाँ अभी तक कोई भी स्पीशीज नहीं उगी है, तो वहाँ पे सबसे पहले सक्सेशन कैसे होता है, वहाँ पे कौन सी पियोनियर स्पीशीज आती है और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के द्वारा क्या कर ली जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है, और धीरे 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 वो जो नेक्ड एक नग्न जो पहाड़ी थी वो धीरे धीरे एक जंगल के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है, वो जो सक्सेशन है उसे अपन क्या कहते हैं? लिथोशियर सक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे अपन देखेंगे सेकेंड पॉइंट अपना आ जाएगा लिथोशियर सक्सेशन। यहां पे लिथोशियर सक्सेशन ये कह सकते हैं। देखो यहां पे अपन देखेंगे कि कहते कैसे हैं, यह है सक्सेशन नेक्ड रॉक से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहां नेक्ड रॉक से स्टार्ट होता है, रॉक पर पानी की कमी होती है। सीधी सी बात है, कोई भी नग्न पहाड़ी है जिसपे अभी तक तो कोई भी जीवित जातियाँ उपस्थित नहीं है, वहाँ पर कैसी होगी? पानी की कमी है, ना ही वहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए लाइफ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है। फर्स्ट टाइम नेक्ड रॉक पर सबसे पहली जो प्रजाति आती है उसे अपन क्या कहते हैं? पियोनियर स्पीसीज कहते हैं। पियोनियर स्पीसीज कौन सी होती है? आर सिलेक्टेड होती है या के सिलेक्टेड होती है? आप लोग इसका कमेंट करके अपने को बताओगे, आप लोग इस चैप्टर के कम लास्ट होने के बाद में, कि नेक्ड जो पियोनियर स्पीसीज होती है वो आर सिलेक्टेड होती है या के सिलेक्टेड होती है, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें जो पियोनियर स्पीसीज जो होती है वो कौन सी होती है? क्रस्टोज लाइकेन। मतलब लिथोशियर में सक्सेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से, किससे होता है? लाइकेन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लाइकेन से, लाइकेन में कौन सा लाइकेन से होता है? तो यहां पर अपन कह सकते हैं क्रस्टोज लाइकेन से क्या होता है? सक्सेशन स्टार्ट होता है। ये कई बार क्वेश्चन जो है आरपीसी में पूछा जा चुका है कि लिथोशियर सक्सेशन में पियोनियर स्पीशीज के रूप में कौन सी लाइकेन पाई जाती है, क्या पाया जाता है? तो क्रस्टोज लाइकेन होता है। कई बार लाइकेन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अपन देखेंगे एल्गी आदि सेट होते हैं, जिनके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन जो है, ये इसके अलावा कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, उनके मेंबर भी क्या आते हैं वहाँ पर? सेट होते हैं, या कुछ एल्गी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं वहाँ पर आकर सेट होते हैं। ये सक्सेशन निम्न स्टेज से होते हुए गुजरता है, ठीक है। कौन से स्टेज है? तो पहली जो स्टेज है वो कौन सी आ जाएगी? क्रस्टोज लाइकेन आ जाएगा। यहाँ पे अपन आगे अपन देखेंगे कि पहली जो स्टेप है वो कौन सी आएगी। तो यहाँ पे पहली स्टेप में देखेंगे क्रस्टोज लाइकेन की स्टेज आती है। इसमें नेक्ड रॉक जो नग्न पहाड़ियाँ हैं उन पे सर्वप्रथम पियोनियर स्पीसीज जो होती है या प्रजाति के रूप में क्रस्टोज लाइकेन के कुछ मेंबर जो हैं वो आके यहाँ पर सेटल होते हैं, ठीक है। ये ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे राइजो कार्पून,
ये कौन सा है जो प्यूनियर स्पीशीज के रूप में पाया जाता है लिथोसियर के अंदर, उसका एग्जाम्पल है राइजोकार्पोन, इसके अलावा राइनोडिया, राइनोडीना। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो लेसीडिया तथा टेकिनोरा, ठीक है ना, ये लेकिनोरा भी कह सकते हैं, लेकिनोरा शायद, ये जो जल की कमी में भी रोग के ऊपर क्या करते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर पानी की अभी तक कमी है वहाँ पर कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं करती है, ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे कुछ जो लाइकेन की स्पीसीज है ये आके वहाँ पर क्या होते हैं, अडेप्ट होते हैं। ये लाइकेन मोस्टली रेनी सीजन में आके होते हैं, क्योंकि जैसे बरसात होती है तो पहाड़ियों के ऊपर क्या होती है, थोड़ी सी नमी देखने को मिलती है, वहाँ पर आके चिपक जाते हैं और ड्राई कंडीशन के प्रति टॉलरेट होते हैं, है ना। जैसे जैसे बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पर सूखापन आएगा, सूखापन को अगर सहन नहीं कर पाएगी वो स्पीसीज वहाँ पर विलुप्त हो जाएगी। जो रेनी, जो ड्राई कंडीशन को सहन कर पाएगा या टॉलरेट कर पाएगा वहाँ पर, वो क्या होगा, एडजस्ट कर पाएगी। इन लाइकेन की सेल वॉल, यहाँ पे इनकी जो सेल वॉल है वो एक विशेष काम करती है, ऑर्गेनिक एसिड जो है वो सिक्रेट करती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करते हैं लाइकेन, जिनसे क्या होगा, धीरे धीरे जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे। तोड़ने से क्या होते हैं, उनके कण निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। जो रॉक्स को अपक्षय या ब्रेक या वेदरिंग करते हैं, धीरे धीरे तोड़ते हैं, जिससे लाइकेन के लिए उचित विकास के लिए, है ना, लाइकेन के विकास के लिए खनिज पदार्थ निकलते रहते हैं, ठीक है ना। और रॉक से धीरे धीरे तोड़ा जाता है और वहाँ से मिनरल्स वगैरह निकलते रहते हैं। ये एसिड कार्बोनिक एसिड हो सकता है, कौन से एसिड रिलीज करते हैं, कार्बोनिक एसिड हो सकता है, ऑक्जेनिक एसिड हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे अपन देखेंगे म्यूसिलेज हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एसिड के जो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यहाँ पे राइजोकार्पोन अपन देखेंगे उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये लाइकेन पॉल्यूशन मुक्त वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन मुक्त हो, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। खास तौर से ये किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति करता है। जहाँ पर एयर में पॉल्यूशन होगा वहाँ पर इनकी ग्रोथ नहीं मिलेगी, जहाँ पर इनकी ग्रोथ मिलेगी इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन क्या है, कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ चुका है, ग्रोथ करते हैं लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में आता है, और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एक तो गैस के प्रति, तो SO2, और एक कंडीशन के प्रति पूछा गया है तो एयर के प्रति, ये दोनों कंडीशन एग्जाम में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी फोलिएज लाइकेन। सेकेंड कंडीशन अगर अपन देखेंगे तो कौन सी स्टेज आती है, फोलिएज लाइकेन आते हैं और वो धीरे धीरे कौन सी स्पीशीज को रिप्लेस करते हैं, जो क्रोस्टोज लाइकेन पहले आ चुके थे उनको रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह के ऊपर फोलिएज जो लाइकेन है वो आके यहाँ पे क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो सेकेंड स्टेज कौन सी आ जाएगी, फोलिएज लाइकेन। स्टेज, ये स्टेज के जो नाम है वो भी आपको क्या रखने हैं, याद रखने, कई बार स्टेज के नाम भी पूछ ले जाते हैं, क्रम भी पूछ ले जाते हैं। रॉक्स पर मिनरल सिक्रेशन व डेड ऑर्गेनिक या डेड लाइकेन का डिकम्पोजिशन होने से सॉइल की पतली लेयर बन जाती है, किसके मरने से, तो जो यहाँ इससे पहले जो क्रस्टोज लाइकेन थे उनकी डेड होने से, उनके कारण से, उनकी डेथ होने के कारण से उनकी ऑर्गेनिक मटेरियल की पतली लेयर है वो पहाड़ियों के ऊपर जमने लगती है। जो फोलिएज लाइकेन जो है उसको क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं। इस मिनरल युक्त सॉइल पर मॉइस्चर रहने लगती है, जिस पर अन्य लाइकेन जो है वो आकर क्या करते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं, जैसे डर्मेटोकार्पोन। जैसे ही हल्की सी नमी रहने लगेगी उस परत के अंदर तो वहाँ पर डर्मेटोकार्पोन जो है, या पारमेलिया है, परमेलिया कह सकते हैं, अमिली केरिया है, ये आके वहाँ पर क्या होंगे, सर्वाइव करने लगेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। इन लाइकेन का थैलस अधिक फैला हुआ होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, फोलियोज के नाम से भी सरफेस एरिया पत्तियों की तरह फैला हुआ रहता है। जो सोइल पार्टिकल मिनरल का स्टोरेज करते हैं, सोइल पार्टिकल को इकट्ठा करने लगते हैं, वहाँ पर मिनरल्स इकट्ठे होने लगते हैं और उनसे क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इनके डिकम्पोजिशन से रॉक पर एक मोटी परत बन जाती है, जब इनकी डेथ होगी तो इनसे क्या बनेगी, एक मोटी परत के रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक पहाड़ी है और यहाँ पे धीरे धीरे जो इनकी स्पीसीज है यहाँ पे आके एक परत के रूप में जमाने लगी है, और धीरे धीरे इनकी जब डेथ होगी
तो इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहीं यहीं पर रह जाएगा और इनकी क्या बन जाएगी, एक परत के रूप में एक मोटी परत जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक मोटी परत के रूप में देखने को मिलेगी और यहाँ पे धीरे धीरे परत बनेगी तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल की जो मात्रा है वो भी बढ़ने लगती है इस प्रकार से। और इनके ऊपर क्या होगा, अगली नई कम्युनिटी या स्पीसीज़ है वो आके क्या होगी, अडेप्ट होती जाएगी। आगे अपन देखेंगे कि जो तीसरी स्टेज है वो कौन सी है, मोस स्टेज है। अब रोग पर धीरे धीरे मोटी परत बन चुकी है, ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ सोइल की भी मात्रा बढ़ जाती है जिससे अब जीरोफाइटिक लाइकेन है, जो मतलब सूखी कंडीशन में भी लाइकेन रह सकते हैं, उन लाइकेन की स्पीसीज धीरे धीरे आकर क्या होने लगेगी, विकसित होने लगते हैं। जैसे टोर्टुला, ये कैसे हैं, ड्राई कंडीशन को सहन करने वाले, वो रहने लगेंगे यहाँ पर। और पोली ट्राइकम, इसके अलावा फ्यूनेरिया, ब्रायफाइटा वगैरह, वो भी आने लगेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे अलग अलग देखेंगे अपन स्पीसीज जो है वो काफ़ी आती हैं। इनके राइजोइड सोइल रॉक में धीरे धीरे क्या करते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, इनकी जड़ें हैं वो कहाँ जाती हैं, इन पहाड़ियों के अंदर की तरफ इंसर्ट होने लगती हैं और पहाड़ियों में दरारें उत्पन्न करने लगती हैं, ठीक है, पेनेट्रेट करने लगते हैं। इन मॉस की बॉडी ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक अधिकता वाली होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी अधिक होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इनमें अधिक होता है। अगली स्पीसीज, अगली जो कम्युनिटी आ जाएगी, हार्प्स स्टेज, धीरे धीरे घास फूस वाली जो प्रजातियां हैं वो आने लगेगी, घास वाली प्रजातियां आने लगी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, हर्ब स्टेज के नाम से जानते हैं। ये स्पीशीज यहाँ पर आकर इकट्ठी होने लगेगी। अब इन रोग पर जीरोफाइटिक हर्ब्स के सीड जर्मिनेट होते हैं जिससे इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है तथा एनुअल होती है, मतलब लगभग 6 महीने या 1 साल के आसपास इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल ये भी आके क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इनकी रूट्स कंटिन्यू रॉक्स को ब्रेक करती है, इनकी जड़ें धीरे धीरे इन पहाड़ियों के अंदर क्या रहती है, धंसते हुए रहती हैं और इन पहाड़ियों क्या करती रहती है, ब्रेक करती रहती है। जैसे एरिस्टिडा यहाँ पर देखेंगे, फेस्टुका, ये कुछ स्पीसीज़ है, पोवा प्लांट्स, ये धीरे धीरे आके यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ घास की वेराइटियाँ हैं जो यहाँ पर आकर सर्वाइव करने लगती हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे जो फिफ्थ स्टेज है वो कौन सी आ जाएगी, सर्व स्टेज आ जाएगी। धीरे धीरे जो घास की वेराइटी है या कम्युनिटी है वो ख़त्म होती जाएगी, उनकी जगह पे जो झाड़ियों की वेराइटी है, छोटी झाड़ियाँ हैं, वो विकसित होने लगती है। और ये कैसी होती है, वाटर के प्रति और भी रेजिस्टेंट होती है। इन रॉक्स पर धीरे धीरे हर्ब्स के स्थान पे साथ साथ कुछ सर्ब्स की वैरायटी भी डेवलप होने लगती है, जैसे जीजीपस मतलब झाड़ियाँ, यहाँ पर कैपेरिस, और आगे आ जाएगा जाइगो फाइलम, ये कुछ स्पीसीज है झाड़ियों से रिलेटेड, कैर से रिलेटेड, वो आके इस्टेब्लिश होती है। इसके अलावा लास्ट स्टेज आ जाएगी फॉरेस्ट स्टेज, धीरे धीरे झाड़ियों के साथ साथ में कुछ बड़े जो ट्रीज हैं वो भी आकर इकट्ठे होने लगते हैं और वहाँ पर स्टेबलाइज होने लगते हैं। इस स्टेज में जीरोफाइटिक जो प्लांट स्पीसीज है वो भी आके इकट्ठे होने लगते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं धीरे धीरे, और क्लाइमेक्स स्टेज को क्या करते हैं, एक अचीव करके वहाँ पर एक फॉरेस्ट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से एक नेक्ड पहाड़ी से चलकर लास्ट में जंगल तक का जो सफ़र है उसे क्या कहते हैं, लिथोसियर सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ विशेष जो एग्जाम्पल है ये ज़रूर आपको याद रख लेने भाई, से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ से अपन देखेंगे, सबसे पहले कोई एक नेक्ड क्या है, यहाँ पर एक पहाड़ी है इस प्रकार से, जिसके ऊपर नेक्ड रॉक ये है, यहाँ से क्या होता है, सक्सेशन स्टार्ट होता है। आगे अपन देखेंगे इसकी पहली जो प्योनियर स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है, क्रस्टोज लाइकेन होती है। क्रस्टोज लाइकेन की कुछ लाइकेन जो होते हैं वो यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं या फिर यहाँ पर जर्मिनेट करते हैं धीरे धीरे, और कब करते हैं, रेनी सीजन के अंदर जर्मिनेट होते हैं। धीरे धीरे इनका विकास बढ़ता जाता है और यहाँ पर लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन की जगह पर जो फोलियज लाइकेन है वहाँ पर क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा इस प्रकार से। यहाँ पे अपन देखेंगे इस प्रकार से ये जो स्टेज है, ये स्पीसीज जो है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे
जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे सेकेंड जो स्टेज है वो कौन सी आएगी, तो यहाँ पर फोलिएज लाइकेन है वो आके इस्टेब्लिश होती है। फोलिएज लाइकेन के बाद में ये कम्युनिटी रिप्लेस कर दी जाती है मोसेज लाइक स्टेज के द्वारा, और मोस स्टेज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है यहाँ पर हर्ब स्टेज के द्वारा, और हर्ब के द्वारा कर दी जाती है किसमें, सर्प्स, और सर्प्स के द्वारा कर दी जाती है किसके अंदर, तो अपन कह सकते हैं फॉरेस्ट स्टेज के अंदर। तो यहाँ पर ये लिथोसियर का जो सक्सेशन था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगला कौन सा आ जाएगा, सिमोशियर सक्सेशन। सिमोशियर सक्सेशन का मतलब होता है कि ऐसा सक्सेशन जो कहीं बालू जो रेत है या टीले हैं वहाँ से सक्सेशन का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, सिमोशियर सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ये सिंपल प्रकार का है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल प्रकार का है जो अगली क्लास में अपन थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेंगे। आज के लिए अपना जो क्लास वो कंप्लीट होती है, एक छोटा सा टॉपिक लेके आए थे अपन लिथोशियर का, और अपनी बुक का जो रिवीजन है वो जरूर चल रहा है, तो जिसने भी बुक परचेज नहीं की है वो आप लोग परचेज कर लीजिए, बाय पोस्ट भी ले सकते हो या फिर आपको फ्लिपकार्ट पे तो अवेलेबल है ही है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, थैंक यू फ्रेंड।